हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आप लोगों की आज के टाइम पे मार्केट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या हम लोगों को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग अप्रोच करें किसी भी चीज़ों को देख के, चाहे वो एंड यूज़ के लिए हो या तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो। साथ साथ में बहुत से क्रांतिकारी यूट्यूबर आज पैदा हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है क्या, जब मार्केट चलती थी तो क्रांति याद नहीं आ रही थी, बट आज क्रांतिकारी सब बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हुआ कुछ ऐसा है क्या, मैंने बहुत दिनों से दरवाज़ा बंद करके कमर लगा रखी थी, सोच रहा था क्या कोई किसी के बारे में ना बोला जाए, बट लोग उस पर लात मारे जा रहे दरवाजे को ज़बरदस्ती की, और बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्या, नहीं आप बोल रहे उस चीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं जब हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए बोलना भी चाहिए। हालांकि किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बट फिर भी एक दो एग्जांपल उनके भी दूंगा। साथ साथ में आप लोगों को मार्केट के अप्रोच के बारे में बताऊंगा, क्या उन लोगों के हिसाब से आप लोगों को किस हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स जो बोला जाता है, शायद मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ठीक है, बट जो बड़े बड़े जिनके 62,000-63,000-64,000 सब्सक्राइबर हैं उनकी भी आज मैं बात करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में तो बहुत से प्रोजेक्ट थे, एक्सटेंशन रोड के प्रोजेक्ट थे 18,000-20,000 रुपये पे, ठीक है, बेचे गए उस टाइम पे। आज के टाइम पे उनकी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, ये बोला जा रहा था 6 महीने के अंदर 24,000 रुपये में मैं एग्ज़िट करवा दूंगा। उनका कुछ पता नहीं है, वो एग्ज़िट करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, मेरे ख्याल से होने का नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने वीडियो बनाई थी कि आप एंड यूज़ के लिए देख सकते हैं या लंबे समय तक आपको होल्ड करना पड़ सकता है, पर इन भाई साहब ने यही बोला था। उसके बाद एक वीडियो बनाई थी, करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा, ठीक है, उसके बाद फिर शॉर्ट में खड़े होके उसका जो सेकेंड फेस आया उसके लिए चेक मांगते हुए दिखाई दिए। कल परसों मेरे को हैरानी इस बात पे हुई, कल परसों मैं देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आ गई, बाई चांस आ गई, मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, तो कुछ प्रोजेक्ट्स के तो नाम बताए हुए थे, ये बुराई है वो बुराई है, और दूसरा एक वीडियो आया जिसमें बोला गया है कि सोना रोड मेन रोड का प्राइस 5 से 10 करोड़ रुपये पर, 4 से 5 करोड़ रुपये पर एकड़ का प्राइस है इनके हिसाब से, ठीक है। और इन्होंने सजेस्ट किया कि आप इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जेवर एयरपोर्ट के आसपास में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब ये आदमी जिसको ये नहीं पता क्या, मेरे 10 किलोमीटर है सोना रोड इनसे जहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है, इनको 10 किलोमीटर के अंदर के प्राइस नहीं पता, ये आप लोगों को कहाँ पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास पे प्रॉपर्टी दिलाएंगे, गॉड नोज मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर इनसे आज पूछने बैठे, अगर अभी स्क्रिप्ट लिख ले तो अलग बात है, अगर ये पूछ लें क्या उसके आसपास के 10 गाँव के नाम बता दो तो वो नहीं पता होंगे इन्हें, बट इन्होंने प्रॉपर्टी बेचनी है ज्ञानवर्धक। एक्चुअली में क्या हुआ ना, ओवर हाइप होगी कुछ चीज़ें, ठीक है, जितना नहीं मिलना चाहिए था उतना मिल गया, तो एटीट्यूड में ऐसा आ गया क्या, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, और बोला जाता है कि अजी ये नहीं बढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा, वो भी बढ़ गया, बोला जाता है ये बढ़ जाएगा वो बढ़ा नहीं, ठीक है, फिर भी लोग एक्सेप्टेंस देते हैं, क्योंकि क्या होता है नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आज मैं किसी के बारे में आपको बोल रहा हूँ तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अगर मैं ये वो सिंपल आपको अप्रोच बता दूंगा पहले वीडियो में शुरू होने से पहले, क्या ये अप्रोच होनी चाहिए इस हिसाब से आपको करना चाहिए, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता नहीं हूँ किसी के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि नेगेटिव अप्रोच वाले जो सब्सक्राइबर हैं या बेस है वो मेरे को चाहिए नहीं, अपने को साफ सुथरा और जो सिस्टमेटिक तरीके से डील्स होती हैं, ठीक है, इसीलिए हम आज 18,000-17,000 कहीं पे भी सब्सक्राइबर पे हैं, ठीक है, लर्निंग बेस्ड चैनल है हालांकि, क्योंकि सीधे स्पष्ट बात कही गई चैनल पे, ठीक है, मेरे हिसाब से तो स्पष्ट बात कही जाती है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा उस दिशा में जा नहीं रहे। और अब भी मैं बोल रहा हूँ क्या, जब मैं बोलने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा बोलना, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता किसी के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़, सोसाइटियों के नाम लिए गए, बोला गया कि उसमें से वैसे ही एक चुन लेता हूँ आपके माध्यम से, बेस्ट एक्सपान एक्सट मत लो, ठीक है, इसके बराबर भाई साहब का घर है, पानी भरता है, मेंटेनेंस जीरो है, ठीक है, पर वो ठीक है वहाँ ले लो, ठीक है, उसके बराबर में बेस्ट एक्सपान एक्सट हो, मतलब कितना फोल्ड रिटर्न बेस्ट एक्सपान एक्सट ने दिए हैं, ठीक है। आज के टाइम में बेस्ट एक्सपान एक्सट का शायद ये तो बड़े डीलर हैं, इन लोगों ने तो नहीं बेचा होगा, हम लोगों ने खूब रीसेल बेचा उसका, उसके लेआउट के बराबर मर्लिन और आइरियो विक्ट्री वैली के भी लेआउट नहीं है जो उसके बगल में, ठीक है, इतने सफिशेंट और इतने अच्छे लेआउट बनाए हैं बेस्टेक ने, पर ज़बरदस्ती की बातें करनी है क्योंकि बातें हैं नहीं करने के लिए,
आप लोग प्रैक्टिकल बता नहीं सकते क्योंकि आप प्रैक्टिकल मार्केट में जा नहीं रहे हो, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, एक और इनसे बहस चल रही है जिनके बीच में कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई होती रहती है, वो भाई साहब छाती पीटते रहे 3-4 साल के, कमर्शियल मत लो कमर्शियल मत लो, उनका फेवरेट बिल्डर आया, उन्होंने सारे वो चिपका दिए, क्या कहते हैं कमर्शियल के स्टूडियो अपार्टमेंट, लीजिंग का कोई गारंटी नहीं है, और बोल रहे बैठ के क्या भाई मैं सस्ता दे दिया बिल्डर ने। चलो बढ़िया, भगवान आप लोगों को बहुत सद्बुद्धि दे, हालांकि मैं आप दोनों से बहुत छोटा हूँ, बट कहने का और सुनने का मकसद हम लोगों का सिर्फ यही है कि मार्केट में नेगेटिविटी ना फैला के चीज़ों को नेगेटिव करें। जो चीज़ है आप ये बोल सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का नाम लेके लेने की बजाय आप ये बोल सकते हैं कि भाई अगर जिस चीज़ में ये कमी हो मत लो उसको, ठीक है, अगर वो उसमें फिट होती होगी अगला आदमी नहीं लेगा। आप ये सोचो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ व्यूअर्स के लिए, आपके हाथ में फाइल है, ठीक है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अपना 2 BHK बेचने चले गए रेलवे यार का, ठीक है, किसी भाई साहब ने इन अकलमंद आदमी की वीडियो देख ली और वो कहेगा जी मैं तो होल्ड कर दिया प्लान, और आपको सख्त पैसे की ज़रूरत है, तो आपको सबसे बड़ा दुश्मन यही लगेगा आदमी, ठीक है। वाइस वर्सा आप बायर हो, आप लेने चले गए, ठीक है, आपकी जेब में आज ये आ रहा है, इन्होंने लेने नहीं दिया, ये कहता जेवर एयरपोर्ट ले लो एग्रीकल्चर लैंड, इनको पता नहीं कुछ भी, पर हाँ ले लो इनके कहने से जेवर एयरपोर्ट एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, आपने रहने के लिए घर चाहिए, आप वहाँ पे जाकर फार्म हाउस बनाओगे, कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेने नहीं दिया, ठीक है, पता लगा 2 साल में 3 साल में वो भी आपके बजट में नहीं आया। रियल स्टेट साइकिल अपने हिसाब से चलती है, आई एग्रीड, ठीक है, हमेशा प्राइस नहीं बढ़ते, हमेशा प्राइस नहीं घटते, मैं एग्री करता हूँ चीज़ों को, बट आपकी अप्रोच नेगेटिव की तरफ नहीं जानी चाहिए। यही मेरा आज का टॉपिक है कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच जब आप लोग फाइनलाइज कर रहे हो मार्केट को, आप फाइनलाइज की तरफ जब जा रहे हो मार्केट में, तो आपकी अप्रोच पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। आज इन्वेस्टर को ये पता है कि मेरे को क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो स्मार्ट इनफ है। ये कहते लोग कहते हैं ये अब बार बार इन्हीं का नाम हमारा जवान पे, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हालांकि, क्योंकि सेम इंडस्ट्री के लोग हैं, अच्छा नहीं लगता चीज़ों को करते हुए, बट मैं वही बता रहा हूँ, मैं दरवाज़ा लगा रखा था, पीठ लगा खड़ा था, लात मारे जा रहे हैं बार बार, तो खोलना पड़ेगा अब, मैं ज़्यादा फिर भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सेम इंडस्ट्री के लोग हैं और मेरे को ट्रोल व्रोल करना समझ नहीं आता, ना नेगेटिव बातें ज़्यादा मेरे को समझ आती, इसलिए आपको पॉजिटिव मार्केट में रखना चाहिए। आप लोगों को इनका स्ट्राइकर नहीं बन रहा है, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है वो नहीं बनना है इनका, जहाँ मारे वहाँ चले जाओ, आपको क्वीन बनना है, ठीक है, जो आप लोगों के पीछे भागे। और एक भाई साहब कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना मुश्किल है, भाई साहब जनता ऐसा नकारती है, आप तो लोगों के पास जाते फिरोगे अगर आपका काम धंधा नहीं रहा, तो आप प्रधानमंत्री मोदी की तो बात छोड़ो, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी के डिसीजंस ऐसे होते हैं, आपको मिलजुल के रियलटर से मिल के बैठ के बात करके ही लेने चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी जो आपकी अप्रोच है अगर पॉजिटिव है, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आप देख सकते हैं, और आपको रियल स्टेट इतना सिखा रखा है लोगों ने, ठीक है, तो आप लोगों की नेगेटिव अप्रोच होनी नहीं चाहिए रियल स्टेट को लेके, चाहे कहीं पे भी हो। पर फिर भी मैं 2-3 पैमानों की बात कर लेता हूँ, क्या आपकी अप्रोच आज के टाइम पे कैसी होनी चाहिए, इन लोगों से थोड़ा सा हटके एक दो बात कहूँगा, तो समझ आए तो चैनल को लाइक, ठीक है, तो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो सही में इंटरेस्टेड हो। बाकी मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा वीडियो शेयर ना हो, आप लोगों के पास रहे, आप देखो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए है ये। चलो करते हैं पहले पॉइंट की बात, आप लोगों को पहले अपना पर्पस डिफाइन करना है, आप लोगों का क्या पर्पस है। अप्रोच के लिए पर्पस डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप लोगों के पास पर्पस नहीं है रियल स्टेट खरीदने का तो वो यूज़लेस है। आपको पता है कि आपके पास लीवरेज कितनी है, ठीक है, आज लीवरेज के बिना अगर आप रियल स्टेट में कदम रख रहे हो, अगर आप लोगों का माइंडसेट उस हिसाब से नहीं है कि आपको लीवरेज का ज्ञान नहीं है, आपने किस हिसाब से कहाँ से आपका लिक्विडिटी होनी है, ठीक है, कितना आपका लोन है, किस हिसाब से आपको करना है, वो आप लोगों का पर्पस बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए फर्स्ट डे से। मेरे को इंड्यूस करना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको इंड्यूस करना है, आप चाहे कोई हाई राइज भी खरीद रहे हो, चाहे आप कोई प्लॉट भी खरीद रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो अपने फार्म हाउस के लिए, आप कभी भी घाटे में नहीं जा सकते, क्योंकि वो आप एंड्यूज के लिए, वो आप 10 से 15 साल छेड़ने नहीं वाले उसको, ठीक है, तो आपके एंड तक रहने वाली है। तो इन लोगों के कहने से ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आज अगर इन लोगों को लगता है कि आप मार्केट स्टेबल रहेगी, ठीक है, कुछ नहीं बढ़ेगा, तो अपनी सारी एसेट बेच दो ना, ठीक है, खरीद लो स्टॉक मार्केट, जहाँ आपको लगता है बढ़ेगी वहाँ खरीद लो, यहाँ से सब कुछ बेच दो गुड़गांव से, वहाँ पर खरीद लो जाके,
फिर जब चलने वाली होगी तुम्हें पता होगा कि तुम ज्ञान विधाता हो, जब तुम्हें पता होगा वहाँ से उठा के फिर यहाँ डाल देना, फिर बढ़ा लेना। ऐसे नहीं होता यार, क्यों लोगों को पागल बनाते हो आप लोग भाई। रियल स्टेट इज नॉट गेम, हमेशा आप समझो चीज़ों को, ठीक है। अपना पर्पस अगर आपका इंड्यूस गया है, आपका गुड़गांव में सॉर्ट आउट होता है तो आप गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी लोगे, आप और कहीं पे नहीं लोगे। दूसरी अगर हम लोग बात करें माइक्रो मार्केट, यहाँ के माइक्रो मार्केट जो भी आप लोगों के कंपटीटर हैं, ठीक है, माइक्रो मार्केट के, वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आपके आपके पास बजट तो 2-2.5 करोड़ रुपए का, और आप लेने निकले हो गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टी, ठीक है, वो भी 3 BHK, वो भी 2000 फुट की, तो वो यूज़लेस हो जाती है। आपकी वर्किंग तो ख़राब होगी होगी, साथ साथ में आपका टाइम इतना वेस्ट होगा क्या, जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी, जो तरीके का अपार्टमेंट होगा, शायद वो भी आप ना ले पाओ, क्योंकि आपका माइंड सेट उस हिसाब से कर दिया जाएगा मार्केट में क्या सर, ये भी है वो भी है, चीज़ें बीस होंगी पर फाइनलाइजिंग स्टेज पर कोई नहीं होगी। और जब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो मेरा मकसद कोई भी सिर्फ लॉन्च प्री लॉन्च को बेचना नहीं है, मेरा मकसद रीसेल को भी बेचना है, ठीक है। वी आर एक्टिवली डूइंग रीसेल और हम अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में फ्रेश नहीं है तो मैं यहाँ के लिए नेगेटिव कर दूंगा और नोएडा की कॉफ़ी पीऊँगा, ठीक है, घर घर बैठ के, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी आपके जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपके लॉन नॉलेज एनहांस करनी चाहिए और मेरी नॉलेज एनहांस होती है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करने की ट्राई करूँगा, बट सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे न्यू लॉन्च का काम नहीं है तो वहाँ पे जाके न्यू लॉन्च का काम करना, इट डजेंट मेक सेंस फॉर मी स्पेशली। और तीसरी जो चीज़ आती है आपके फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स आप लोगों के क्या है मार्केट में, ये समझना ज़रूरी है। हमेशा एक सेगमेंट नहीं चलता, कभी हाई राइज चलेगा तो कभी स्टैंडर्ड प्लॉट्स चलेंगे, कभी स्टैंडर्ड प्लॉट्स चलेंगे तो कभी दीनदयाल के प्लॉट्स चलेंगे, कभी वो नहीं चलेगा तो कभी फ्लोर्स चलेंगे। मार्केट को समझना, कभी SCO प्लॉट्स चलेंगे, ये इस हिसाब से मार्केट को समझना, इस वाइड एंगल से मार्केट को देख के और इन्वेस्टमेंट करना आपकी अप्रोच होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। फालतू की बातों में मत जाओ, क्वीन बनो, किसी के स्ट्राइकर मत बनो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा निंदा करने में विश्वास नहीं रखता, ये सिर्फ इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। बट अगर अब भी कोई आंसर आएगा किसी की तरफ से तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, ना ही मैं किसी के मनोरंजन का साधन बनने वाला हूँ। फिर भी आप लोगों को अगर चैनल पसंद आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो पहली बार आए हैं, और जो देखते रहते हैं रेगुलर और सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करो, आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राम राम।